क्रिसमस से एक दिन पहले। डिव, मम्मी लोबो का अभी फोन आया था, उनकी फ्लाइट लेट हो गई है, वो आज की क्रिसमस ईव पार्टी में नहीं पहुंच पाएंगी। ओह नो, तो फिर आज की पार्टी कैंसिल हो जाएगी? नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है पार्टी को कैंसिल करने के लिए, सारी तैयारियां तो हो चुकी है। मुझे सिर्फ क्रिसमस ईव पर ही देर रात तक जागना अलाउड है। पर डैडी, मुझे मम्मी चाहिए। उदास मत हो देव, हम सब है ना, हम तुम्हारे साथ क्रिसमस पार्टी मनाएंगे। नहीं, मम्मी और मैंने पूरे हफ्ते मिलकर गुआवा चीज और बिबिंका और क्रिसमस केक बनाया था। हमने एक साथ गिफ्ट्स तैयार किए और क्रिसमस ट्री भी सजाया और साथ में क्रिसमस के गानों की प्रैक्टिस भी की। लोबो फैमिली के लिए क्रिसमस सबसे बड़ा त्योहार है, उनकी क्रिसमस ईव पार्टी में सभी इनवाइटेड हैं। हमें देव की उदासी दूर करने के लिए कुछ तो करना होगा। मित्रा मैम कहती है क्रिसमस का स्पिरिट है खुशियों को बांटना और उन्हें फैलाना। हम डिव को उदास नहीं रहने दे सकते। मुझे नहीं पता था कि क्रिसमस का भूत भी होता है। पानी, इस स्पिरिट का मतलब भूत नहीं होता, इसका मतलब है क्रिसमस टाइम वाली फीलिंग्स। जैसे we wish you a merry Christmas, we wish you a merry Christmas, या फिर 'tis the season to be jolly, समझ गए? रुको, मैं बताती हूँ। मैं और नाज मिलकर डिव का मूड बेटर करने जाते हैं और तुम क्रिसमस के गानों की प्रैक्टिस शुरू करो, उन्हें मजेदार बनाना। क्या मैं बबल? बेचारा बनी तो फंस गया, उसे क्रिसमस गानों के बारे में कुछ नहीं पता। हाय डेव, चले जाओ, मैं मम्मी के बिना क्रिसमस नहीं मनाऊंगी। ठीक है, तो फिर सिर्फ तुम देखो हम कैसे तैयार होते हैं। तुम ये चेन अपने सर पर पहनो, गले में नहीं। मुझे लगता है मुझे भी तैयार हो जाना चाहिए। पता है मम्मी चाहेंगी कि मैं डैडी की मदद करूं। क्या मैं ये चेन पहन लूं? हाँ। क्रिसमस की मिठाइयाँ कितनी टेस्टी होती है, यम यम। हे देव, तुम्हारी मम्मी ऐसा क्रिसमस केक पूरे साल क्यों नहीं बनाती है? क्योंकि मम्मी कहती है ये सिर्फ क्रिसमस की खासियत है। मम्मी की याद आ रही है। आउच। हे देव, तुम हमें जीसस का क्रिब दिखाओगी? हाँ जरूर। क्रिसमस जीसस क्राइस्ट के जन्म का त्योहार है। उनका जन्म एक तबेले में हुआ था जहाँ घोड़े और दूसरे जानवर रहते थे। कितना प्यारा है। पर बेबी जीसस कहाँ है? उन्हें पालने में अभी नहीं, ठीक रात के 12 बजे रखते हैं, क्योंकि उनका जन्म तभी हुआ था। हमेशा मम्मी उन्हें रखती थी। ओए जिंगल जिंगल, ओए जिंगल जिंगल, ओए जिंगल जिंगल, ओए जिंगल जिंगल, ओए जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, ओ व्हाट फन इट इज टू राइड ऑन अ वन हॉर्स ओपन स्लेई। ओए, वी विश यू अ मैरी क्रिसमस, वी विश यू अ मैरी क्रिसमस, वी विश यू अ मैरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर। ओले आओ मजी पैन, ओले आओ गुआवा चीज, ओले आओ क्रिसमस केक, ओले आओ ना। क्रिसमस आज लाया है ये सबका साथ, छाई खुशी हर ओर, हमें बांधे ये डोर। जिंगल बेल्स, जिंगल बेल्स, जिंगल ऑल द वे, ओ व्हाट फन इट इज टू राइड ऑन अ वन हॉर्स ओपन स्लेई।
आज सुबह जलेबी स्ट्रीट पे। देखो सेब, सेब, मुझे सेब चाहिए। सुनो मैक्स, क्या तुम प्लीज मेरे भाई के लिए एक सेब तोड़ कर दोगे? बिल्कुल नहीं, तुम खुद तोड़ लो। पूरा मैक्स, बबल मुझे सेब चाहिए। ठीक है क्रिश, मैं कुछ करती हूँ। नाज, क्या तुम्हारे पास तुम्हारी गुलेल है? तुम उससे सेब तोड़ सकती हो? कोशिश करती हूँ, पर सेब काफी ऊपर है। लगता है आज किसी को सेब नहीं मिलने वाला। सेब, बबल कोशिश की, बुरा मैक्स। क्रिश अपने डैडी को सेब के पेड़ के बारे में बता रहा है। वो अभी भी उदास है। मुझे सेब चाहिए। उसे भूल जाओ क्रिश, हमारे घर में बहुत सारे सेब हैं। तुम वो खा लेना। नहीं नहीं नहीं, मुझे पेड़ वाला सेब चाहिए, घर वाला नहीं। डैडी, डैडी, वो लोग वहाँ क्या कर रहे हैं? जन्माष्टमी मना रहे हैं। जन्माष्टमी? क्या? ये भगवान कृष्ण का त्योहार है। हम बिल्कुल वही करते हैं जो वृंदावन में नन्हे कृष्ण करते थे, जब उन्हें मक्खन खाने का मन करता था। नन्हे कृष्ण वृंदावन में क्या करते थे डैडी? भगवान कृष्ण को मक्खन और घी बहुत पसंद था, और मैया यशोदा जो भी बनाती थी वो सब खा जाते थे। इसीलिए मैया यशोदा मक्खन की मटकी को रस्सी से छत पर टांग देती थी ताकि वो उस तक पहुंच ना पाए। अच्छा, भगवान कृष्ण बहुत ही नटखट भगवान थे, है ना डैडी? हाँ, नटखट तो थे, और वो कभी हार नहीं मानते थे। वो और उनके दोस्त पहाड़ बनाते थे बिल्कुल इसी तरह, फिर मटके को फोड़कर सभी दोस्त सारा मक्खन खा जाते थे। कप 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 कप। बहुत मजेदार है। हाँ बाबू, नन्हे कृष्ण जानते थे कि टीम वर्क से कुछ भी हासिल हो सकता है। हाँ, टीम वर्क? कभी कभी कुछ काम अकेले करना मुश्किल होता है, पर दोस्तों के साथ सब कुछ मुमकिन है, एक अच्छी टीम बनाकर साथ में। देखो लगता है जन्माष्टमी ने बबल को एक आइडिया दिया है। हाय दोस्तों, मेरे पास एक आइडिया है, पर उसके लिए टीम वर्क चाहिए। ठीक है, बताओ आइडिया। मेरा आइडिया है टीम कृष्णा। टीम कृष्णा? बनी, तुम हम में से किसी को भी आसानी से उठा सकते हो, है ना? हाँ हाँ। तुम और मैडी मुझे, डेव और नास को अपने कंधों पर उठाओगे। पर क्यों? ताकि तुम सेब के और पास पहुंच सको, फिर निशाना लगाकर उसे नीचे गिरा सको, भगवान कृष्ण और उनके दोस्तों की तरह। ओह, आइडिया अच्छा है, चलो करते हैं। कृष्णा नीचे रुककर सारे सेब पकड़ेगा। ठीक है, तैयार हो जाओ टीम कृष्णा। ये सेब, 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 वी! वाओ! ये, ये, ये दुनिया की बेस्ट बहन! वाह, तुम्हारा टीम वर्क तो शानदार था। क्या मुझे भी एक सेब मिलेगा प्लीज? हाँ क्यों नहीं, हम चीजों को हमेशा बांटकर खाते हैं, बिल्कुल नन्हे कृष्ण की तरह। टीम कृष्णा।
इंडिया के प्रतीक। आज का दिन बच्चों के लिए बहुत खास है, चलिए देखते हैं क्यों। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम चिल्ड्रंस डे शो की रिहर्सल शुरू करेंगे। वाओ, बच्चों के लिए भी खास दिन होता है मैम। हाँ, क्या किसी को पता है किसके जन्मदिन पर चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है? मैं बताऊँ, चाचा नेहरू का, इंडिया के पहले प्रधानमंत्री। मैडी को हमेशा जवाब पता होता है। बच्चों, शो का विषय है राष्ट्रीय प्रतीक। इसका मतलब भारत देश की खास चीजें, जैसे कि राष्ट्रीय पेड़, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय प्राणी, राष्ट्रीय फूल और बहुत कुछ। ये सब हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं। इनमें से एक चिन्ह चुनो और शो के लिए वो चिन्ह बनकर आओ। मैंने मोर को चुना, ये सबसे सुंदर है। मैं देश का सबसे सुंदर प्रतीक बनूंगी। अच्छा मैडी, क्या तुम एंकर बनना चाहोगे? तुम चाचा नेहरू के बारे में बहुत जानते हो, तुम उनके जैसे ड्रेस पहन सकते हो। हाँ, हाँ, हाँ। आज स्कूल के प्ले का दिन है। सभी मम्मी पापा प्ले शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देवियों और सज्जनों, हम पेश कर रहे हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। पहले राष्ट्रीय पेड़, बरगद का पेड़। अब राष्ट्रीय फूल, कमल का फूल। अब पेश है हमारी राष्ट्रीय नदी, गंगा। हम फिर से पेश कर रहे हैं राष्ट्रीय नदी, गंगा। अब बारी है राष्ट्रीय फल की। रसीला आम। राष्ट्रीय पक्षी मोर। कृष, तुम्हें पता है मोर सबसे खास है। मुझे बीच में खड़े होने दो। नहीं, बबल को कोने में खड़ा रहना अच्छा नहीं लग रहा। वो स्टेज पर बीच में खड़ी रहना चाहती है। ओप्स, सॉरी। और आखिर में पेश है हमारा राष्ट्रीय प्राणी, खूंखार बाघ। बाघ कहाँ पर है? और अब पेश है राष्ट्रीय प्राणी बाघ। लो, 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 लो। मैं इस रसीले आम को खा जाऊंगा। नहीं नहीं हाली, रुको रुको। बदमाश बबल अब क्या कर रही है? वो अब भी स्टेज के बीच में जाना चाहती है। मैंने पढ़ा था कमल नदी पर तैरता है। उतारो मुझे बनी। वाह, आज के प्ले में कुछ ज्यादा ही मजा आ गया। बच्चों, वापस लाइन में खड़े हो जाओ। लगता है बच्चों को इस शो में कुछ ज्यादा ही मजा आया है। आप
जलेबी स्ट्रीट के और वीडियोस देखने हैं तो फिर क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन अभी। चमकते दमकते दांत जलेबी स्ट्रीट में एक दिन सुबह सुबह बच्चे क्लास फोटोग्राफ के लिए तैयार हो रहे हैं। बनी तुम प्लीज डिव के पास खड़े हो जाओ और मैडी तुम बबल के पास प्लीज। ठीक है। यू, बनी, तुम्हारे सारे दांत पीले हैं। तुम ब्रश नहीं करते क्या? मेरे देखो। मैं रोज दो दो बार ब्रश करती हूँ। मम्मी कहती हैं अगर नहीं करूँगी तो मुझे सड़ू दांतों की और बदबू लेरिया की बीमारी होगी। मैं रोज सुबह तो ब्रश करता हूँ पर रात को मैं कह देता हूँ कि मुझे बहुत नींद आ रही है। यहाँ किसी के दांत पीले नहीं है, कहीं तुम्हें सड़ू दांतों की बीमारी तो नहीं बनी? ओ, बनी तो परेशान लग रहा है, वो सड़ू दांतों की बीमारी नहीं चाहता। चलो बच्चों, अच्छी सी स्माइल दो, बोलो चीज। चीज। हेलो आंटी सिंह, बनी घर पर है? हाँ, वो अपने रूम में ही है, पर पता नहीं किसी बात पर उसका मूड खराब है। मैं उसका मूड ठीक करने ही तो आया हूँ। बनी है कहाँ? कबर्ड में? बेड के नीचे? खिलौनों के नीचे? ये आवाज कैसी? रात को ब्रश कर रहे हो? अच्छी बात है, ये लो, इससे तुम्हें और फायदा होगा। ये क्या है? मेरी नानी माँ ने मुझे ये पाउडर दिया है, आयुर्वेदिक है। आयुर्वेद पत्तों और जड़ी बूटियों की मदद से हमारी सेहत ठीक करता है। ये है क्या? रात को सोने से पहले नींबू और नमक दांतों पर लगाओ और देखना दांत चमकने लगेंगे। सच में? सच में, देखो। बबल बनी को अपने घर बुलाने आई हैं। आंटी सिंह, क्या बनी 10 मिनट के लिए मेरे घर आ सकता है प्लीज? ठीक है बबल, लेकिन सोने का वक्त होने वाला है, उसे जल्दी वापस भेज देना। ठीक है आंटी सिंह। हाय मैडी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बनी को ब्रशिंग में मदद करने आया हूँ। अरे वाह, मैं भी, थोड़ी देर के लिए मेरे घर चलो ना। क्यों? मैं तुम्हें दिखाऊंगी ब्रशिंग को मजेदार कैसे बनाते हैं। बबल और मम्मी कपूर बनी को एक सरप्राइज देने वाले हैं। आ आ आ आ आ आ आ ऊपर अंदर ऊपर अंदर, आ आ आ आ आ आ आ आ नीचे अंदर नीचे अंदर, ई ई ई ई ई ई ई ई गोल और गोल गोल और गोल, फिर से अब ये चमकाओ दमकाओ। आ आ आ आ आ आ आ आ ऊपर अंदर ऊपर अंदर, आ आ आ आ आ आ आ आ नीचे अंदर नीचे अंदर, ई ई ई ई ई ई ई ई गोल और गोल गोल और गोल, फिर से अब ये चमकाओ दमकाओ। अब ग्लग 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 गागल करो, कुल 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 कुल्ली करो, ये दांत हुए साफ। ऊपर अंदर ऊपर अंदर, नीचे अंदर नीचे अंदर, ई ई ई ई गोल और गोल गोल और गोल, फिर से अब ये चमकाओ टमकाओ। अब ग्लग 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 गागल करो, कुल 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 कुल्ली करो कुल्ली करो, ये दांत हुए साफ। बनी अब अपने दांतों का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, उसने मित्रा मैम से एक और क्लास फोटो लेने की रिक्वेस्ट की है। फोटो के लिए तैयार हो? वाओ बनी, तुमने अपने दांतों को क्या किया, तुम्हारे दांत चमक रहे हैं। बस कुछ दोस्तों की मदद मिल गई। क्या बात है, क्या फोटो के लिए मैं तुम्हारे साथ खड़ी हो जाऊं? क्यों नहीं देव। <नहा। laughs>
चलो सब मुस्कुराओ, बोलो चीज चीज लंगड़ी टांग। ये तो जलेबी स्ट्रीट नहीं लग रही, क्या हो रहा है? ओ, बनी वीडियो गेम खेल रहा है। बनी, 5 बज गए हैं, बाहर खेलने का टाइम है। मम्मी की सुननी होगी तो बाहर खेलने वाला गेम खेलता हूँ। टेनिस। बनी चलो बाहर जाकर खेलो। पर मम्मी वो वही पुरानी बोरिंग गेम्स खेलते हैं, ये उसे बहुत अच्छा है। बाहर खेलने से सूरज की रोशनी मिलती है, सूरज की रोशनी नहीं तो विटामिन डी नहीं। और एक्सरसाइज का क्या? एक्सरसाइज सेहत के लिए बहुत जरूरी है पुत्र। हाय आंटी सिंह। बनी चलो खेलने चलते हैं, सब इंतजार कर रहे हैं। तुम मुझे टेनिस में हराओ फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो फिर ठीक है। बिल्कुल नहीं बच्चों। बनी जूते पहनो और मैडी के साथ बाहर जाओ। ओ, बनी जान गया है कि मम्मी सिंह अब गुस्सा हो गई है। जम कर खेलना। बाय आंटी। बबल ग्रुप को एक नया खेल सिखा रही है जो उसने अभी अभी सीखा है। पहले हम बनाएंगे बाउंड्री लाइन, कोई भी खिलाड़ी इस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता। दो टीम्स, एक टीम को दूसरे टीम के खिलाड़ियों को पकड़ना होगा। पर इसमें एक ट्विस्ट है, तुम्हें उनकी टीम को पकड़ना होगा एक पैर पर कूद कर। मैं दिखाती हूँ। नाज डेव चलो दोनों भागो। वाह कितना मजेदार गेम है, चलो खेलें। ये गेम तो आसान है। वैसे इसका नाम क्या है? लंगड़ी टांग मतलब वन लेग हॉप। और ये खेल आसान नहीं है? आसान तो लगता है। मैं तुम सबको पकड़ के दिखा दूंगा मैडी से पहले। ओह अच्छा, तो हम तुम्हें चुनौती देते हैं, लड़कियां वर्सेस लड़के। चुनौती मंजूर है। हाँ चुनौती मंजूर। रेश और हाली भी खेलना चाहते हैं। ओके ओके। अच्छा तुम दोनों मैडी और बनी के टीम में जाओ। ठीक है। नहीं नहीं हमें इनकी जरूरत नहीं है, ये तो कच्चे नींबू है। कच्चे नींबू का मतलब है कमजोर खिलाड़ी। मैडी को लगता है ये छोटे बच्चे उन्हें हरा देंगे। ये तो जल्दी आउट हो जाएंगे। हाँ तो फिर ठीक है, क्रिश और हाली हमारी टीम में होंगे। ओ, ओ, लगता है लड़कों को जीतने के लिए खुद पर पूरा यकीन है। पहले लड़कियों की बारी है लड़कों को पकड़ने की। बबुल ने मैच शुरू कर दिया है। अब तुम्हारी बारी। पकड़ो मुझे। लगता है मैडी डिव से बहुत ज्यादा तेज है, पर अब शायद मैडी थक गया है। पकड़ लिया और लड़कों की टीम आउट हो गई। अब लड़कों की बारी है लड़कियों को पकड़ने की। ये दोनों तो आउट हो गए। क्रिश और हाली को पकड़ने में कोई ध्यान नहीं दे रहा। मैं तो थक गया। और अब मैडी की बारी है और उसने आसानी से बबुल को आउट कर दिया। पर ये गलत है, तुम्हारी टीम में ज्यादा लोग हैं। ठीक है तुम्हें पकड़ने का एक और मौका मिलता है। बनी चलो खाना तैयार है। बस 10 मिनट मम्मी, मुझे बहुत मजा आ रहा है। अच्छा ठीक है थोड़ा और खेल लो। अब देखते हैं बनी क्या करता है। ओ, ये तो गिर गया। शाबाश ऐसे ही भागो। तुम्हारी बारी। ये मैडी का आखिरी मौका है बच्चों को पकड़ने का। ये मौका गवा दिया तो खेल ही हाथ से गया। मैडी मैडी हार मान लो, ये छोटे कच्चे नींबू नहीं थे, ये तो टीम की जान थे। लड़कियां जीत गए। मेरा भाई और मेरे दोस्त जीत गए। मेरा भाई
भाई और मेरे दोस्त जीत गए। ईद मुबारक। और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, बहुत ही खूबसूरती से बैलेंस कायम रखा। हेलो। ओह हाय गाइस, तुम कब आए? हम दोनों यहाँ पूरे 5 मिनट से खड़े हैं। ओह, जब हमारी नाज जिमनास्टिक्स देखती है तो उसे आसपास का कुछ नहीं दिखता। क्या आपने उस लड़की को देखा डैडी? जब मैं अपना ट्रैम्पोलिन बनाऊंगी ना, तो मैं आसमान तक उछलूंगी। तुम ट्रैम्पोलिन बनाने वाली हो? हाँ। क्या बात है, हम भी उस पर खेल सकते हैं? अगर उसे बनाने में मेरी मदद करो तो। एक मिनट, मैंने कुछ पैसे जमा किए थे, उनसे सारी जरूरी चीजें खरीद रही हूँ। अब बस मुझे रबर शीट खरीदनी है। मेरी नटखट नाज, कल तुम्हें ईदी मिलने के बाद तुम्हारे पास काफी पैसे जमा हो जाएंगे। कल ईद है और बच्चों को पैसे मिलेंगे जिससे वो अपनी मनपसंद चीजें खरीद सकते हैं। उन पैसों को ईदी कहते हैं। मुझे पता है, आई लव ईद। ईद मेरा फेवरेट दिन है। बाहर आकर हमारे साथ मुस्कुराता आसमान कौन देखेगा? मुस्कुराता आसमान? हाँ, ईद का चांद, आसमान में प्यारी सी मुस्कान जैसा, देखो। ईद का चांद रमजान के पवित्र महीने के अंत में दिखता है। इसका मतलब ईद का त्योहार शुरू हो गया है। सबको ईद मुबारक। ईद मुबारक। खान परिवार ईद की शॉपिंग के लिए आए हैं। नाज के लिए ट्रैम्पोलिन शीट, डैडी के लिए जूते और मम्मी के लिए नई ड्रेस। आप रख लीजिए। शुक्रिया मम्मी, अब हम तीनों भीग जाएंगे। कोई बात नहीं नाज, उन्हें उस छाते की जरूरत हमसे ज्यादा थी। गार्ड चाचा, जरा मदद करेंगे प्लीज? जरूर, अभी आया। ईद मुबारक गार्ड चाचा। ईद मुबारक, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डैडी, आपने अभी अभी अपने मन पसंद जूते खरीदे थे और आपने वो दे भी दिए। गार्ड चाचा को उनकी ज्यादा जरूरत थी नाज, और आज ईद है। बेचारे पंछी और उनके अंडे। हाँ, कोई बात नहीं नन्हे पंछी, तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। ईद मुबारक। तुम उदास क्यों हो नाज? पर क्यों? उन्हें ज्यादा जरूरत थी। ईद का यही मतलब है, खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचो। थोड़ी देर बाद दोपहर में। ये लो बच्चों, ईद की खीर और तुम सब के लिए ईदी। ईद मुबारक। एक मिनट, मैं बताऊं, अगर रमादान और ईद पर दूसरों की मदद करते हैं तो हमें भी मदद करनी चाहिए। हमें मिली ईदी और पिगी बैंक के पैसों से। वाह, क्या सोचा है बबुल। अब मैं आंखें खोल सकती हूँ? बस पहुँचने ही वाले हैं। ठीक है, 1, 2, 3 खोलो आंखें। ट्रैम्पोलिन मेरे लिए? एक मुबारक नाज। पर कैसे? ये सब तुम्हारे दोस्तों ने किया है। उन्होंने तय किया कि वो अपनी ईदी से तुम्हारे लिए कुछ करेंगे, जैसे तुमने उन पंछियों के लिए किया था। Yeah!